खबर अमेरिका के कैलिफोर्निया से है, जहां 13 शहरों में बर्फीले तूफान के चलते इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। तूफान में 9 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। कैलिफोर्निया में बर्फबारी की वजह से 70,000 से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में 18 से 24 इंच बर्फबारी का अनुमान लगाया है। जानकारी के अनुसार इस हफ्ते हुई रिकॉर्ड बारिश और दिसंबर फरवरी में बर्फबारी के चलते कैलिफोर्निया में सूखे की समस्या में भी कमी आई है। अमेरिका के ड्रॉट मैप के अनुसार कैलिफोर्निया का करीब 17% इलाका सूखा नहीं था, जबकि बाकी बचे इलाके के एक तिहाई हिस्से को भी सूखा घोषित नहीं किया गया।